लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 20 मीडिया द मिनिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया हुआ है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया है, एक एक टॉपिक को कवर किया है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पेपर वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज। पेपर जो है चाइनीज का द्वारा इन्वेंट किया गया था। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज प्रमोटेड अकाउंटेबिलिटी। थर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया शुड नॉट बी बायस्ड। Who among the following is not involved in the process of telecasting the news? Technician, editor, producer और cameraman तीनों की जरूरत होती थी technician की, वहाँ पर news को telecast करने में वहाँ पर technician की जरूरत नहीं होती है। Which country did Johannes Gutenberg belonged to? Germany. Gutenberg जो है Germany से belong करते थे। Second, fill in the blanks. Media has brought people to a level where technology is media. Chinese influenced the development of printing by inventing paper. Third, television affects public perception and opinion. Perception and opinion. Media should not favor a class, person or an organization. Fifth, the right to information has promoted transparency and accountability. Right, true or false for the following statements. 1. Media influences our beliefs and attitudes. True. 2. RTI was passed due to the demands of various organizations and movements. True. 3. Media is like a watchdog in a democracy. True. Freedom of speech and expression has no limitation. False. A very big share of Indian media is owned by political parties. False. Declarations were true, false. शुरू का 3 ट्रू है और लास्ट का 2 फॉल्स है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने हिस्ट्री पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्ले बटन में वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग हिस्ट्री के वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट पे वीडियोज बहुत सारे अपलोड है, जैसे कि साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ओके, डिस्क्रिप्शन पे लिंक करके जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा।
ओके तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब हम लोगों को ब्रीफली आंसर्स देने हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफाइन मीडिया। द टर्म मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। इट रेफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज मीडिया कॉल्ड अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मास। इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन अबाउट बर्निंग इश्यूज ऑफ द कंट्री, एक्सपोजेस स्कैंडल्स एंड बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द पॉलिटिकल पावर अदर पार्टीज एंड पावरफुल ग्रुप्स डू नॉट स्टे बियॉन्ड देयर लिमिट्स। इट इज देयरफोर मीडिया इज कॉल्ड अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये है इसका आंसर। इन वाट वेज सिनेमा द सिनेमा अफेक्ट आवर व्यूज। किस वेज में सिनेमा जो है हमारे व्यूज को अफेक्ट करता है। सिनेमा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इवेल्स, पॉलिटिकल मैल प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एंड द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी एंड इट्स वैल्यू सिस्टम। सम फिल्म्स इम्पार्ट वैल्यूबल मैसेज एंड दस लीव अ डीप इम्प्रेशन ऑन अस। वी बिगन टू थिंक इन द सेम वे एंड ट्राई टू डू अकॉर्डिंगली। देख लीजिए स्टूडेंट्स फुल आंसर एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स। The different means of electronic media, television, cinema and internet. What other basic rights are linked with the right to information? Right to freedom of speech and right expression, right to education. ये सब जो है right to information के साथ link है, basic rights है ये सब। ओके तो हम लोगों का शॉर्ट आंसर्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स। ओके चलिए हम लॉन्ग आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके देख लीजिए आप लोग इसका आंसर, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट हम लोगों ने वहां देखा, बी और सी पॉइंट यहां पर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ।
फर्स्ट सवाल इसमें देख लीजिए, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इन नॉट फेलियर। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन व्हाट वेज डज द मीडिया ब्रिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन टू द फोरफ्रंट। फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक इंडिया मीडिया इज फ्री, जस्टिफाई योर आंसर। टोटल फोर पॉइंट्स इसमें है, मैंने आपको दिखा दिया, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अदर सब्जेक्ट से वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।